उत्तराखंड के सभी पंचायतों में मतदान में अब से सिर्फ कुछ ही दिन का फासला रह गया है और ऐसे में प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन तेज हो गई है। साथ ही गली मोहल्लों में चुनावी प्रसार भी जोरों से चल रहा है। आज हमारे साथ बातचीत में मौजूद है मनोहर कुमार जी उर्फ मंटू यादव जी। इनकी पत्नी इस बार नूरपुर पंचायत से मुखिया प्रत्याशी रही है। इन्होंने अपना नॉमिनेशन करवाया है और मंटू यादव जी उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों को लेकर के, उनकी विकास कार्यों को लेकर के, आखिर किस इरादे से वो इस बार पंचायत चुनाव में शामिल हुए हैं, जनता से उनको कितना उम्मीद है, जनता उनका कहां तक साथ देगी और आगे उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। तो सबसे पहले तो मंटू यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोहर कुमार यादव उर्फ मंटू यादव जी, आगे थोड़ा नीचे, ग्राम पंचायत नूरपुर के समस्त जनता जनार्दन को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपने ओर से ढेर सारी धन्यवाद भी। तो सर, इस बार 2020 के पंचायत चुनाव में आप रीना देवी जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुखिया प्रत्याशी है रीना देवी जी। तो सर, इस बार चुनाव में आप किस इरादे के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं? इरादे तो मेरा ये है कि जनता के साथ जो जो समस्याएं है, जो जनता ठगा जा रहा है, उस जनता को ठगाने से बचा लें। जो भय से जो है कुछ आवाज नहीं खोल पा रहे हैं, उसे भयमुक्त बनावे। अभी जो पंचायत चुनाव में बहुत सारे हमारे मित्र आए हैं, हम नाम नहीं बोलना चाहते हैं, बहुत अपने अपने ओर से प्रलोभन भी दे रहे हैं। कुछ आदमी साड़ी की वितरण कर रहे हैं, तो कहीं कमल कहीं धोती की वितरण कर रहे हैं। ये सब समस्याएं हैं भाई जनता के बीच में। कोई समोसा खिलाते हैं, कोई जलेबी छापते हैं और कोई कहते हैं जनता से कि आप जो है बिरयानी खाइएगा कि खस्सी का कौन सा भाग पसंद करते हैं, लेग पीस खाइएगा या फिर ग्रान पीस खाइएगा या सीना खाइएगा, चेहरू खाइएगा, गर्दन खाइएगा, कलेजी खाइएगा, क्या खाइएगा। वैसे में हम नहीं, जनता जनार्दन जाने और हमें उम्मीद है, 110% उम्मीद है कि इस बार जनता किसी की नहीं सुनेगी, ना साड़ी ना कमल ना समोसा ना जलेबी ना बिरयानी ना पुलाव ना तड़का की। सर, आपने जिस तरह बोला कि अलग अलग प्रत्याशी जो है अपने ढंग से जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दों को दे रहे हैं, तो सर इस बार चुनाव में आप किन मुद्दों पर जनता को लुभाने की कोशिश? देखिए, हम जनता के हमेशा रहे हैं और जनता हमारे हैं, जनता के हम प्रिय हैं। जनता की भरपूर सहयोग और आशीर्वाद हमें सब दिन मिलते आए हैं। कुछ कुछ मत के लिए हम फिसलते हैं और इसमें जनता जनार्दन की कोई कृपा नहीं है, दोष नहीं है, दोष मुझ में है। हम थोड़ा उग्र होके बात करते हैं, थोड़ा बेबाक बोलते हैं, मीठास बोलने आता नहीं और लोग मीठा बोलते हैं। रसगुल्ला के रस के तरह, चाशनी की तरह अपनी व्यवस्थाएं को रखते हैं और जनता उस बात को रखते हैं। बेबाक वक्तव्य को सुनने के बाद उसको लगता है कि मंटू यादव बहुत कड़ा आदमी है, लेकिन जितना जनता सोचते हैं उतना हम हैं कड़ा नहीं, हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपने पूर्व में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन कुछ वोटों से आप पिछड़ गए, आपको जनता के द्वारा प्यार नहीं मिला, कुछ वोट मायने नहीं रखता है। खैर, तो सर इस बार 8-9 वोट का कोई ये नहीं है। और तो सर, इस बार आप क्या उम्मीद रखते हैं जनता, वो 8-9 का इस बार सूद समेत हमको देंगे जनता, मतलब जनता पर पूर्ण विश्वास? पूर्ण विश्वास है। कहते भी हैं लोग, वो नहीं है, ये नहीं है, हम बोले तुम ही नहीं हो, हमारे तो सब हैं और हम सबके हैं। आज कोनो हम
बैठ करके 10 आदमी में नहीं बात कर लेते हैं। मेरा 365 दिन की सेवा है, परमात्मा की कृपा से जितना हमको शक्ति मिल पाता है हम जनता के साथ उतना भक्ति मिलकर के कर लेते हैं। सर, जैसे कि आप नूरपुर पंचायत के ही निवासी हैं, और यहाँ की जनता भी यहाँ की समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ है, और आपको भी पता है कि यहाँ इस क्षेत्र में क्या क्या विकास होगा, तो सर आपको मूलभूत सुविधाएं के साथ क्या क्या ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ है, जो वर्तमान में मुखिया रहे थे उन्होंने नहीं किया, और आप उस कार्यशैली को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, नूरपुर पंचायत को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या देखिए जो मुखिया रहे थे उससे कार्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन मैं वचन लेता हूं उसका छोड़ा हुआ कार्य या अधूरा कार्य या पूर्ण कार्य जो भी है पंचायत के अंतर्गत हम उसे पूर्ण करेंगे। महिलाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और उसका जो है सुरक्षा हम करने का प्रयास करेंगे। जनता की हमें सहयोग तब भी मिलनी भी चाहिए, अकेले हम मुखिया बन के भी क्या कर लेंगे अगर जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तो। सर एक सवाल ये भी रहेगा क्योंकि आप इसी क्षेत्र के निवासी हैं सर, तो आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार का क्या स्थिति है, किस स्तर से भ्रष्टाचार है या नहीं है, या फिर आप अगर आएंगे तो भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, जिस तरह दलालों और प्रतिनिधियों और फिर कई लोगों के द्वारा जनता से वसूली किया जाता है, इस पर आपका क्या विचार है, आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है और आप इसको किस तरह से सुधारेंगे? देखिए भ्रष्टाचार तो है, भ्रष्टाचार है, और मेरा प्रयास रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी कि इस भ्रष्टाचार से हमें जनता अपना कीमती मत दे करके विजयी बनावे, और हम संपूर्ण जनता जनार्दन से मेरी अपील है कि हम इससे लड़ेंगे और ये भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करेंगे। सर आप मुखिया पद के लिए, आपकी पत्नी रीना देवी जो है वो मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है, सर आपको ये विचार कब आया कि मुखिया पद पर ही रहकर हम जनता की सेवा करें? देखिए मुखिया में हम आ भी नहीं गए थे, इस बार मुखिया आज से 20 साल जो हमको नशा था, जो जुनून था, वो नशा अब मेरा धीरे धीरे धूमिल हो गया था। इस बार जनता जनार्दन की प्रयास से, उनके आशीर्वाद से, उनकी दया और दुआ से और परमपिता परमेश्वर की कृपा से, श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से हम इस चुनाव मैदान में फिर से आए हैं। सर जिस तरह से प्रचार प्रसार जोर शोर से चल रहा है, आपके द्वारा भी प्रचार प्रसार चल रहा है, तो सर आपको जन समर्थन कैसा मिल रहा है सर, जनता की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, जो प्रतिफल आ रहा है, किस तरह से? रिएक्शन ही नहीं है, कहीं रिएक्शन नहीं है, कौन कहता है रिएक्शन है, कोई रिएक्शन नहीं है, 101% विजय का फतह का फहराएंगे। मतलब अभी से ही आप इस बात पे पूर्ण विश्वास है आपको? जी हाँ, ये मेरा विश्वास नहीं, ये जनता की विश्वास है, जनता की लहर है, जनता की पुकार है, जनता की आवाज है कि विजयी घोषित करेंगे। तो सर आपको हमारे तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप भारी मतों से विजय हो, और सर आज धन्यवाद आपसे बातचीत करने के लिए, और हम आपको बता दें कि नाथनगर प्रखंड में 24 नवंबर को मुखिया पद के लिए चुनाव होना है, साथ ही अलग अलग पदों के लिए भी चुनाव होना है। तो आज के इस बातचीत में फिलहाल इतना ही, सिर्फ टीवी देखते रहिए, नमस्कार।